192 में आपका स्वागत है। एक ही दिन मेरी रिकॉर्ड रिकवरी 672 मरीज ठीक हुए, रिकवरी रेट दोबारा 72% पर आया। हरियाणा में कोरोना का कहर नहीं थम रहा, एक दिन में फिर आंकड़ा 500 करीब रहा। राज्य में 24 घंटे में 473 नए केस मिलने के साथ 5 लोगों ने संक्रमण में दम तोड़ दिया। फरीदाबाद में 4 और रोहतक पंचकूला में एक एक ने दम तोड़ दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब मरीजों के ठीक होने का रेट बेहतर हो रहा है। जिस शमी के जरिए नेपाल से रास्ता सोना लाने का झांसा देता था कैंडी, वही गिरफ्तार। शरीफगढ़ का ठग कैंडी बाबा शुक्रवार को जेल में सलाखों के पीछे पहुंच गया। अम्बाला SIT ने रिमांड अवधि पूरी होने पर कैंडी को कोर्ट में पेश किया। कर्मियों के लीव ऑफ काइंड ड्यूटी के प्रस्तावों को CM की मंजूरी। CM मनोहर लाल ने हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा किलोमीटर स्कीम के खिलाफ की गई हड़ताल के समर्थन में 99 विभागों के कच्चे अनुबंध कर्मचारियों द्वारा 26 अक्टूबर 2018 के सामूहिक अवकाश की 31 अक्टूबर 2018 को आयोजित हड़ताल व 8-9 जनवरी 2020 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लीव ऑफ कम्बाइंड ड्यूटी करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। हुड्डा सरकार में 2010 में भर्ती हुई 39 पीटीआई की मौत के बाद पीएचएम को मिल रही सुविधाएं बंद। हरियाणा सरकार में भर्ती हुई 1983 पीटीआई भर्ती रद्द कर चुकी है। सरकार ने अब इनमें से मरने वाले पीटीआई के प्रियजनों को मिल रही सुविधाओं पर ब्रेक लगा दिया। शिक्षा विभाग के निदेशालय से आदेश जारी होने के बाद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने भी निचले स्तर पर इसे लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में रिचार्जिंग शिफ्ट लगवाने के 937 किसानों ने की पहल। जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार ने 1000 रिचार्जिंग शिफ्ट लगाने की योजना तैयार की। प्रदेश में 937 किसानों ने आवेदन किया। अनाज को खराब होने से बचाने के लिए 17 करोड़ से की दी जाएगी तिरपाल। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विशेष पॉलीथीन कवर से ढका जाएगा। इसके लिए 17.5 करोड़ रुपये कीमत की पॉलीथीन कवर के ऑर्डर को सरकार ने दी मंजूरी। घर पर मेजों की सरकार देगी।